त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन के लिए 3 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद जनपद के 20 विकास खंडों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए 5 काउंटरों पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन के पहले दिन 3 अप्रैल को ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 3,770, ग्राम प्रधान पंचायत के लिए 6,790 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए 5,709 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य के लिए 593 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिला अधिकारी वित्त व राजस्व व चुनाव के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह और जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा। हो गया नाम पत्र चल रहा है। जिला पंचायत वार्ड ज्यादा निकालिए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में आज जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान पदों के लिए पूरे जनपद में 20 ब्लॉक में और कलेक्ट्रेट में नामांकन हुआ। नामांकन बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। प्रत्येक ब्लॉक से सूचना कलेक्ट की जा रही। आज 3 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जैसा कि सबको ज्ञात है, गोरखपुर में प्रथम चरण में ही 15 अप्रैल को चुनाव है। उसके तहत आज नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन जिला पंचायत वार्ड के 68 सदस्यों के लिए कुल 593 नामांकन पत्र भरे गए। इसके अलावा 1294 प्रधान के लिए कुल 6,790 नामांकन पत्र आज जमा किए गए, लोगों के द्वारा भरे गए। इसके अलावा बीडीसी मेंबर्स के लिए कुल 1700 बीडीसी मेंबर्स के लिए 5,709 नामांकन पत्र आज भरे गए। इसके अलावा 16,372 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए कुल 3,770 नामांकन पत्र आज भरे गए। आज नामांकन पत्र का पहला दिन है, कल दूसरा और आखिरी दिन नामांकन पत्र भरने का। उसके बाद 5 और 6 को इसके नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। 7 तारीख को 3 बजे तक नाम वापस लिया जाएगा और उसके बाद जो भी उम्मीदवार सही पाए जाएंगे, जिनका कि स्क्रूटनी के बाद और नाम वापस करने के बाद जो भी उम्मीदवार मैदान में रहेंगे, उन सबों को प्रतीक चिन्ह जो चुनाव चिन्ह का आवंटन होता है वो 7 तारीख को शाम 3 बजे के बाद किया जाएगा।